हेलो नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली के विरोध में यूपी बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि हमारे पास परीक्षा को लेकर कोई शिकायत नहीं आई, हमने जांच कमेटी बनाई है और वो इसकी जांच करेगी। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि रेलवे आपकी संपत्ति है और इसकी सुरक्षा करिए। रेल मंत्री ने कहा है कि कुछ लोग छात्रों के प्रदर्शन का गलत फायदा उठा रहे हैं, छात्रों को भ्रमित नहीं किया जाए, ये मामला देश का है। छात्रों से अपील है कि आप अपना विषय हमारे सामने रखें और संवेदनशीलता के साथ इसे देखेंगे। और इसी दौरान एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में अभ्यर्थियों के व्यापक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रेल मंत्री ने कहा है कि रेल मंत्रालय ने एनटीपीसी और लेवल 1 परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके अलावा रेल मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो इसकी जांच करेगी। यह कमेटी परीक्षा में पास और फेल हुए अभ्यर्थियों की शिकायतों को सुनेगी और इसकी रिपोर्ट रेल मिनिस्ट्री को सौंपेगी। इसके बाद रेल मंत्रालय आगे निर्णय लेगा। फिलहाल रेलवे की परीक्षा पर रेलवे मंत्रालय ने रोक लगा दी है। बता दें कि देश में करीब 1.26 करोड़ छात्रों ने परीक्षा में आवेदन किया था। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी आंदोलन से जुड़ी हर खबर की जानकारी के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।